प्रदेश उपाध्यक्ष राणा लखविंदर का नियुक्ति के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ पहुंचने पर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हुसैन चंदबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश्वर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राणा का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसको पूरी निष्ठा लगन से निभाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा की केंद्र व हिमाचल की जयराम सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता इस जुमलेबाजी का मुंह तोड़ जवाब देगी और जो कथित अराजकता भाजपा ने प्रदेश में फैला रखी है इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है मुझे दी है और मुझे विश्वास है कि मैं इस जिम्मेदारी को हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जी जान से इससे जो जिम्मेदारी को इसका निर्वहन जो है मैं करूँगा। और मुझे आशा है कि पूरे हिंदुस्तान में आज हम देख रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में जो है लहर है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार मोदी जी की 5 साल का जिनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, हर एक लोग जो है उससे जो है तंग है, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे नौजवान युवा है, सब लोग जो है निराश हैं, क्योंकि जो 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने वादे किए थे लोगों के साथ वो एक भी वादा जो है पूरा नहीं कर सके। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में जो है राहुल गांधी को जो है देश की दुनिया जो है देख रही है। लोगों को आशा है कि अगर राहुल गांधी जैसा कोई नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को मिलेगा तो जो है हमारा जो दुनिया जो सारे देश के लोग हैं वो जो खुश होंगे और उनके जो है काम भी होंगे। चला अगला कार्य क्या होगा आपका? कार्य मेरा अगला यही होगा कि मैं जो जिम्मेदारी हमें दी है इसको हम जो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं चारों सीटें जो है हमारे इस प्रदेश में जो है कांग्रेस की जोड़ी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।